या बहुत एक्साइटेड हूँ 5th of October को अंधाधुन आ रही है एंड और श्रीराम राघवन ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मेरे लिए काफ़ी अलग है, थ्रिलर है, मैंने पहली बार थ्रिलर की है और ये जॉनर में पहली बार आया हूँ तो इसलिए मैं इंटरनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जॉनर में ये पहली बार आए हैं और एक डिफरेंट लुक, एक डिफरेंट अंदाज में आप इन्हें फिर से देख रही हैं, बताइए कैसे लग रहे हैं आज ये ट्रेलर में? I'm in love with him all over again. So it's a new thing that he's portraying. I have bahut excitement hai. It's a new genre, like he said. So it's very, very exciting to see him in this thriller role and this thriller film. It's a very well-made film, and like I said, I fall in love with him. श्रीराम सर की जो भी फिल्म होती है काफी डिफिकल्ट और काफी मतलब उसके अंदर ड्रामा और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने पड़ती है, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा काफी प्रिपरेशन रहा क्योंकि एक तो ब्लाइंड होने का प्रिपरेशन था, दूसरा पियानो सीखने का प्रिपरेशन था और दोनों को कंबाइन करने का प्रिपरेशन था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। शायद इतनी मुश्किल स्क्रिप्ट और इतना मुश्किल कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं किया है। 3 महीने तक मैंने पियानो सीखा, 3 महीने तक मैंने ब्लाइंड स्कूल विजिट किया और एक ब्लाइंड पियानिस्ट से मिला और सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया फिल्म के अंदर। सर क्या मतलब और ज़्यादा उनके बारे में सीखा और अगर उस बारे में कुछ बताएं कि मतलब ब्लाइंड लोग कैसे मतलब देखे बिना भी उनको मतलब पढ़ते हैं लिखते हैं, उस बारे में क्या सीखा आपने? आई थिंक ऑफकोर्स वो ब्रेल उनकी एक लैंग्वेज होती है जो आप छूकर वर्ड्स देख सकते हैं और हमारे देश में अब रिसेंटली ऐसा हुआ है कि लिफ्ट पे शायद ब्लाइंड लोगों के लिए थोड़ा फ्रेंडली चीज़ें हैं या फिर पहले नहीं हुआ करता था, अब डिसेबल्ड फ्रेंडली हमारी कंट्री पहले से ज़्यादा हो गई है विच इज़ ग्रेट। लेकिन ये फिल्म जो है ये इतनी डार्क फिल्म नहीं है, ये एंटरटेनिंग फिल्म है, ये क्वर्की फिल्म है। फिल्म के हर 7 मिनट में आपको कुछ एक्साइटिंग दिखने को मिलता है, कुछ थ्रिल मिलता है, सस्पेंस मिलता है, सो ये फिल्म की खासियत है। आई थिंक लास्ट ईयर मुझे बहुत टेंशन थी कि 2 फिल्में बैक टू बैक आई थी, बरेली की बर्फी, शुभमंगल सावधान, मुझे टेंशन थी कि शायद एक को इफेक्ट पड़ेगा पर थैंकफुली दोनों चल गई एंड दिस टाइम अराउंड मेरी टेंशन थोड़ी कम है क्योंकि लास्ट टाइम अच्छा हो गया था, इस बार भी अच्छा होगा। पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपकी रिलीज डेट अच्छी हो, दोनों रिलीज डेट मुझे लगता है अच्छी हैं। 5th को दो तीन फिल्में आ रही हैं, काफ़ी अलग जॉनर की हैं और अच्छी रिलीज डेट है 5th अंधाधुन के लिए और बधाइयों के लिए 19th October पहली बार एक फेस्टिवल रिलीज़ हो रही है मेरे लिए, सो इट्स ग्रेट। कोई ऐसी चीज़ हाँ आई थिंक कोई भी चीज़ अंधाधुन में इतना नहीं करता, मैं बहुत ही सोच समझ की चीज़ें करता हूँ, फिल्में भी अंधाधुन नहीं करता हूँ, बहुत पहले स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, समझता हूँ, कुछ अलग स्क्रिप्ट में नज़र आए तभी करता हूँ, तभी शायद मैं साल में सिर्फ 2 फिल्में करता हूँ और हर एक फिल्म में मेरे कुछ एक अलग ट्रेलर से पता चल जाता है कि कुछ अलग है, तो आई थिंक अंधाधुन में वैसे कुछ नहीं करता हूँ, ये फिल्म अंधाधुन मैंने फिल्म की है अंधाधुन, लेकिन वैसे फिल्म में अंधाधुन नहीं करता। ओके लास्ट ईयर सर एक क्वेश्चन, जब से ट्रेलर आया लोगों में बहुत उत्साह है बट हम देखा जा रहा है कि प्रमोशन इतने नहीं हो रहे, हाँ ट्रेलर को ये बहुत जगह, आई थिंक ये फिल्म का जॉनर ही ऐसा है क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिलर है तो हम ज़्यादा बात कर ही नहीं सकते इसके बारे में, हर कोई ये पूछ रहा है आप अंधे फिल्म में हो या नहीं हो, और ये फिल्म का टेक्सचर है सोची समझिए एक हमारा वो था कि हमें इतना उसको आउट ऑफ द उसमें जाकर प्रमोट नहीं करना है, ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ की तरह चलेगी और लोगों को देखकर समझ आएगी कि क्या फिल्म है, इसलिए आई थिंक ये फिल्म का जॉनर ही यही है। यहां से पहले आप हमें छोड़कर जाएं, पोस्टर में भी आप कहीं जा रहे हैं जी, कहीं आप जा रहे हैं, हाँ बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, आई थिंक सड़क क्रॉस कर रहा हूँ पोस्टर में और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा, लेकिन हाँ फिल्म के अंदर ये है कि एक बीइंग अ ब्लाइंड मैन मैंने एक मर्डर देख लिया है या मतलब विटनेस कर लिया है, यही एक फिल्म का एक सबसे क्वर्की चीज़ है कि एक अंधा आदमी मर्डर कैसे देख सकता है या फिर समझ सकता है, शायद आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है कुछ होता है, और ट्रेलर में लिखा गया हर एक आर्टिस्ट का एक सीक्रेट होता है, इसका क्या सीक्रेट आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, बस इससे पहले कि हम अंधाधुन के बारे में पूछो उससे पहले एक सवाल ये कि हम ऐसा माने कि आप दोनों भाइयों ने इंडस्ट्री में अंधाधुन ओ यार ऐसे कभी आपकी फिल्म कभी उनकी फिल्म कभी आपकी फिल्म कभी उनकी फिल्म यार टच आउट गॉड हैज बीन काइंड आई थिंक एज पापा इज ऑल्सो हियर तो आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स में सब कुछ सही हो रहा है सो यस आई मीन श्री डिड अ ग्रेट जॉब
few weeks back and really looking forward to Andhadhun and Badhaiyo both. And I think Andhadhun ka jo trailer hai aur Badhaiyo ka trailer hai, dono ke dono kafi different world hai. And I was looking quite different in it. And I think bhaiya has worked really hard, especially on this film. Main dekh raha tha unki piano practice, sab kuch wagera. Bahut 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 mehnat ki hai is film ke liye. यार एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, स्पेशली बिकॉज जब मैंने पहली बार सुना था कि आयुष भाई फिल्म साइन करने वाले हैं, जब वो मुझे घर पे बता रहे थे, तो तब से ही एक एक्साइटमेंट थी दैट इस फिल्म में क्या होने वाला है, आयुष भाई किस प्रोसेस से यू नो ये सब करने वाले हैं, पियानो सीखने वाले हैं, तो एक डिफरेंट वर्ल्ड है. एंड प्लस श्रीराम राघवन सर के सभी फैन हैं. आई थिंक द काइंड ऑफ सिनेमा ही इज बीन डूइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, सो ऑलरेडी एक्साइटमेंट बनी जाती है. अंधाधुन में खाता हूँ यार, अंधाधुन खाता हूँ. नहीं खाता हूँ. यार मैं अभी वैसे आज सुबह लखनऊ में सब टिक्के कबाब सब खा के आया हूँ. लखनऊ से सीधा आ रहा हूँ यहाँ पे. यार ऑलरेडी हमारी कुछ नरेशंस हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो स्क्रिप्ट मिली नहीं है जिसको देखकर मैं आपको जपी पाके कहूँ और कहूँ पाजी दिस इज द फिल्म. यार आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड जे सैम्यूल, ही हैज बीन स्टाइलिंग मी, सो अभी वो इस समय लंदन में है और रास्ते में मुझे फोटोज भेज रहे थे कि दिस इज व्हाट यू हैव टू वेयर, तो मैंने कहा ओके. सो जब मैं पहुंचा तैयार हुआ, फिर मैंने फोटो खींच के भेजी, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, कहते कूल लग रहे हो, चले जाओ. मैंने कहा ठीक है. रिसेंटली आई रैप अप विद लुपा छुपी और वहां पर कार्तिक जी बहुत ही इमोशनल हो चुके थे, तो अब बता दे क्या था, कितने इमोशनल भी हो गए. यार इमोशनल इसलिए हो गए क्योंकि वहां पे एक अलग फैमिली बन चुकी थी, इसलिए इमोशनल हो गए थे. और साथ में क्या क्या ऐसा लगता है कि जब भी हम एक फिल्म करने जाते हैं ना, हम सब बंजारज हैं यार, जो हम अपनी फैमिली बना लेते हैं दो दो तीन तीन महीने बाद, तो फैमिली जब भी टूटते हुए नजर आती है, उसके बाद कुछ टूटते हुए नहीं मतलब अपने अपने घर जाती है वापस दूसरे घर, तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है, इसलिए सब रोए थे. तो भूमि जी, क्योंकि फिल्म का नाम है अंधाधुन, इसलिए आपसे जानना चाहिए कि अपने लाइफ में वो ऐसी कौन सी चीजें जो आप अंधाधुन करती हैं. एक्टिंग, मैं अंधाधुन एक्टिंग करती हूँ, जब मुझे मौका मिले मैं एक्टिंग करती हूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. फॉर स्टार्टर्स मैं श्रीराम सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे उनकी सारी फिल्में हद से ज़्यादा अच्छी लगी हैं. एंड सभी जानते हैं कि आयुष्मान मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त है, मेरी लिटरली परिवार है आयुष्मान, एंड मेरा वन ऑफ फेवरेट एक्टर्स भी है. आई लव टबू मैम एंड आई थिंक राधिका इज़ अ फिनोमिनल एक्टर. तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ ये इतना एक्साइटिंग है दैट आई कांट वेट टू वॉच द फिल्म. जी यही कहना चाहूँगी कि वो एक इतना उमदा एक्टर है कि वो कोई कैसी भी फिल्म कर ले, ही इज जस्ट गोना शाइन, सो आई कांट वेट टू सी व्हाट ही इज डन इन द फिल्म. और भी वेट लॉस किया है आपने अपना? बस मतलब वेट के आगे आप लोग नहीं बढ़ोगे. लेकिन आप बताइए. हाँ वो तो करना ही पड़ता है ना फिल्मों के लिए, यू हैव टू कीप चेंजिंग योरसेल्फ. अरे लोग तो क्या क्या नहीं कहते, लोगों ने तो ये भी कहा था इतनी क्यों बड़ी हो गई, अगर मैं उनकी बात सुनने लगती तो मैं आज याद थोड़ी ना होती. There's a lot. The ones I can speak about, obviously, Son Chiriya is about to release very soon, in fact. And then there's Takht, and the rest you all will know in a few weeks. Everything.